सात नंबर वाले मामले में हमें नहीं मिली है। चलो 27 अप्रैल 2019 को पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें बिजनेसमैन राकेश कुमार ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनको कोई इंटरनेशनल नंबर से ट्रैक कर रहा है और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, अदरवाइज उनके और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की वो धमकियां दे रहा था। उसके ऊपर पुलिस ने FIR रजिस्टर करके SP इन्वेस्टिगेशन, DSP मेजर क्राइम्स, DSP नवाशहर, SHO नवाशहर, CIA इंचार्ज जो है उनकी टीम बनाई और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्होंने जो दोषी हैं उनको अरेस्ट कर लिया है 13 तारीख को। और इनसे पूछगिछ में इनके ड्यूरिंग अरेस्ट जो है और इनकी तलाशी में जो है इनसे वेपन और 7 राउंड इनसे भी हैं, साथ ही नशीले टीके भी इनसे बरामद हुए हैं जिसके ऊपर भी एक FIR इनके ऊपर की गई है। पूछगिछ में इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने ये प्लानिंग की थी जगतार सिंह लाडी जो है ये इसके कहने पे की थी, क्योंकि जगतार सिंह लाडी इस बिजनेसमैन के यहाँ पहले काम कर चुका था और उसको इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। जो मेन अक्यूज इसमें जो कॉल किया करता था वो विनोद कुमार उर्फ विनू कुमार है, जो कि दुबई से आया हुआ है। वो 14-15 साल से दुबई में रह रहा है और अभी 2-2.5 महीने से यहाँ इंडिया में आया हुआ है। वो ये इंटरनेशनल नंबर यूज़ करके इनको कॉल करके एक्सटॉर्ट मनी के लिए कॉल ट्रैक कर रहा था। और इसमें तीसरा जो इनका पार्टनर है वो विकास शर्मा और विकी शर्मा है, इनके इन्होंने प्लानिंग करके पैसा इन्होंने अटना था। पैसा मांगने का मुख्य कारण क्या था, क्यों पैसा मांगा जा रहा था, धमकी क्यों दी है? बस ऐसे ही बदमाशी कि हमें पैसा मिल जाएगा और ये बिजनेसमैन है थोड़ा सा डरते हैं, ये इजीली हमें पैसा दे देंगे, इनकी ये सोच थी। जगतार विनोद थे जो तीसरा है, इन्हें पॉलिटिकल नहीं, वो कॉल सेंटर में काम करती थी और जो उसको सुपारी दे रहा था लड़का जिसने मरवाना चाहता था, वो लड़का मे भी उसका एक तरफा प्यार होगा या क्या है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने सिम पे कॉल करती थी वो इंटरनेशनल। हाँ जी हाँ जी, वो स्पूफ नंबर था बेसिकली, VIP कॉल ये करते थे। इनके पास से ड्यूरिंग नाकाबंदी जो है एक पिस्टल मिली है, 7 राउंड मिले हैं, साथ ही जो है टीके इनसे बरामद हुए हैं। जो पहला मुकदमा हमने दिया था बिजनेसमैन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो हमने FIR नंबर 63 सिटी नवाशहर में दिया था अंडर सेक्शन 387। और उसके बाद जब नाके पर इनसे बरामद की NDPS की हुई है तो वो एक अलग से मुकदमा हमने 68 नंबर दिया है अंडर सेक्शन 22-29 NDPS। नाका पर पैदल थे वो गाड़ी से बाइक से था, ये 2 बाइक से थे और 1 स्कूटी से थे। एक ने दस्या कि हरजिंदर सिंह ने हमला किया तो वो प्लान लुटराई जो भी ना। नहीं नहीं, हरजिंदर सिंह ने इसको सुपारी दी थी। नहीं नहीं, अच्छा वो सॉरी, हाँ, वो जो मेडिकल स्टोर वाला हरजिंदर था उस पे हमला इन्होंने किया था, क्योंकि इनको ये पता था इसके बारे में। जगतार सिंह लाठी जो है उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये आदमी शाम को जब जाता है दुकान बंद करके तो उसके पास कैश होता है तो इससे हम स्नैचिंग कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने इसको पैसा छीनने के लिए खो करने के इरादे से